महाराष्ट्र वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा देश में कोरोना पॉजिटिव के मरीज पाए गए हैं और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। मुंबई देश की कोरोना कैपिटल बन गई है और अब मुंबई के अस्पताल भी कोरोना के चपेट में एक एक करके आने लग गए हैं। देश भर में कोरोना के कहर के शुरू होने के साथ ही ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि हेल्थ केयर से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कईयों के साथ बदसलूकी हो रही है, कईयों के साथ में मारपीट हो रही है और ऐसी ही एक शिकायत आई है मुंबई के भाटिया अस्पताल से। मुंबई के भाटिया अस्पताल को 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद में सील कर दिया गया है और इस अस्पताल की नर्सें जिस इमारत में रहती थी, ग्रांट रोड में आविष्कार नाम की जो इमारत है, उन नर्सों का कहना है कि उनके साथ में बदसलूकी की जा रही। हमारे साथ में ये तमाम नर्सें जो हैं यहाँ पर इस गांवदेवी पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आई हैं। हम इनसे जानते हैं, ये बताइए कि आप लोग पुलिस स्टेशन में क्यों आए हैं? जो हमारे साथ हरासमेंट हो रहा है आविष्कार बिल्डिंग में, दीज आर सोसाइटी पीपल, उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करवाने आए हैं। किस तरह का हरासमेंट हो रहा है आपके साथ? एक्चुअली दे आर नॉट अलाउइंग कि हम लोग कचरा लेके जाएं, ग्रैंड रोड स्टेशन के पास रखे, हम लोग कचरा लेके नीचे आए 6 फ्लोर से। ऑलरेडी लिफ्ट बंद किया इन्होंने वो टाइम पे, जिस टाइम पे हमारा आने का टाइम होता है, ड्यूटी से हमारा जाने का टाइम होता है, हमारा आने का टाइम होता है, उसी टाइम इन लोगों ने लिफ्ट क्लोज किया है। 6 फ्लोर पे हमारा रूम है, 6 फ्लोर पे हम लोग चढ़ के जाएं, नीचे आए, कचरा भी हम लोग उठाएं, नीचे नहीं रखने देंगे, मींस नीचे डाउन ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रखने देंगे, ग्रैंड रोड स्टेशन पे रख के आओ, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, मास्क बोल रहे हैं कि मास्क हम लोग नहीं लगाते थे, ठीक है, तब तक इधर हम लोग कोई पेशेंट भी नहीं लेते थे, मास्क की बात कर रहे हैं हम लोग। अभी उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट बोला कि नहीं, वो लोग बांध के आते हैं तो हमें पहचान में नहीं आता। आईडी के लिए बोला गया कि सिर्फ ये आईडी नहीं दिखाना है, नॉट ओनली दिस, यू हैव टू वियर स्ट्रिप एंड दे आर टचिंग लाइक दिस एंड देन दे आर सीइंग द स्ट्रिप, दिस इज द वे। अभी तक इन लोगों को जरूरत थी इंजेक्शन के लिए, हमारे यहाँ से लड़कियां जाती थी इन लोगों को इंजेक्शन लगाने के लिए, तभी नर्सेज अच्छी थी, अभी नर्सेज बुरी हो गई है इन लोगों के लिए, दिस इज द वे। और वो लोग बोलते हैं कि 11-12 बजे तक नर्सेज घूमती है बाहर। हाँ। हम लोगों को इवनिंग से आने के लिए ही टाइम लगता है, 10-11 बजे हम लोगों का ओवर होता है, 11-11:30 भी बजते है, तो वो लोग बोलते हैं बाहर घूमते हैं, हम लोग के घूमने के लिए जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, तो हमें बोल रहे हैं कि हम लोग शॉर्ट्स पहन के जिम करने के लिए जाते हैं। वी आर एट 6 फ्लोर, 8 o'clock तक हमारा हॉस्टल का ऊपर वाला जो बिल्डिंग का फ्लोर है वो खुला रहता था, ऊपर वाला जो छत है, बट इन लोगों ने वो भी क्लोज किया। हमें नहीं पता था कि तुम लोगों ने 8 बजे से पहले भी क्लोज किया, हम लोग आए तो बोल रहे हैं शॉर्ट्स में क्यों आए, दिस इज मुंबई और व्हाट, ये गाँव है क्या कि हम लोग हमारे अथॉरिटी के अलावा आप जो बोलेंगे वो पहनेंगे? हम लोग अभी 15 हैं इधर, बाकी सब लोग हॉस्पिटल में उधर हैं क्वारंटाइन में, हम लोगों में से कोई भी उधर नहीं गया, उधर से कोई आया भी नहीं है, ऐसा अभी सिचुएशन चालू है। हम लोग ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हैं एंड दे आर आल्सो मेकिंग अस फ्रस्ट्रेटेड। आप अभी पुलिस से क्या चाहते हो? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को चैन से रहने दिया जाए, बस बाकी कुछ भी नहीं, जैसा चल रहा था वैसा ही चलने दें, जो चेंजेस आपने किया वैसा हमें कुछ नहीं चाहिए। मास्क हम पहनेंगे, हम लोगों के पास खुद के पास बड़ा बॉटल सैनिटाइजर रखा है, हम लोग जाने के बाद यूज करते हैं, आते टाइम यूज करते हैं, हम लोगों के बैग में रखा रहता है, अभी इससे ज्यादा क्या करेंगे आप? तो आपने सुना भाटिया हॉस्पिटल की इन नर्सों को, जो कि जिनका कहना है कि इन्हें परेशान किया जा रहा है, इनको हैरेस किया जा रहा है, और जिस सोसाइटी में रहती है उस सोसाइटी में रहने वाले लोग, वहां के निवासी भी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, इनका पक्ष जानते हैं, इनका क्या कहना है? आपने सुना कि ये नर्सें क्या कह रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? सर जी, जैसे कि ये बता रहे हैं कि हम लोग मास्क पहन के आते हैं और मास्क पहन के जाते हैं, जो ऐसे बता रहे हैं उन लोग, पहली बार तो जब मेरे घर पे आए थे, जब ये सब क्वारंटाइन का चालू हुआ था, तब मेरे घर पे रात को 10:30 बजे विदाउट मास्क, विदाउट एनी ये करके कंप्लेंट लेके आए थे कि आपने ऐसा कैसे किया। अभी मुझे तो रूल फॉलो करना पड़ता है, जैसे हमने गवर्नमेंट को हमको जो दिया है रूल फॉलो करने के लिए, हम रूल फॉलो वही कर रहे हैं, अभी वो रूल का उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे हमको बताया गया कि आपको मास्क पहनना है, आपको सैनिटाइज करना है, आपका हर एक रूल हम लोग बना के करते हैं, तो अभी इनका कहना है कि हम लोग हरेसमेंट कुछ नहीं करते, इनके शॉर्ट्स पहनने पर आपको आपत्ति है, फिर आपने कचरा जो है, सर जी ये जो गलत एलिगेशन लगा रहे हैं, ये गलत एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमारे पास भी वीडियो है, उन लोग 7 फ्लोर पे जिम करने के लिए आते हैं, जबकि हमने
टेरेस ही बंद कर दिया है, क्योंकि हमको बताया गया है कि टेरेस पे भी जमा होना नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि हमको टेरेस खोल के दो और हमको जिम करना है, तो ये ग्राह्य धरता है क्या? मुझे पहले आप बताइए, नर्स होके जब प्रोटेक्शन हमको करना है तो ये नर्स होके उल्लंघन कर रहे हैं कि हमको ऊपर जाके जिम करना, हमको चाबी चाहिए। ये कौन बोला कि ऐसा चाबी नहीं देंगे? अभी हम आप बताइए, ये कौन कर रहा है एलिगेशन? कौन कैसा गलत कर रहा है और कौन सच का है? जब ये इन लोग बोल रहे हैं कि हमको वहाँ जिम करना है, ये टाइम है जिम करने का, हमने टेरेस हमारे टेंडन के लिए बंद किया है, हमने हर चीज प्रिकॉशन ली है, हमको कोरोना से बचना है, सबको बचना है। ऐसा नहीं कि हमको, हमारे यहाँ 70 मेंबर है, उसके अंदर सीनियर सिटीजन है, हमारे यहाँ बीमार लोग भी है, तो हमको उनको भी देखना है। तो रूल फॉलो सबके लिए है, मुझे अकेले के लिए नहीं है, रूल तो उनको भी फॉलो करना चाहिए, उनको ज्यादा हमसे मालूम है, मगर रूल को उल्लंघन करते हैं। रूल का हर एक बोलते हैं कि हम ऐसे एक आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहे, जब वो मास्क पहन के नहीं आते थे, हमने रूल बनाया कि आप मास्क पहन के आओ, तो बोलते हमको पता है मास्क क्यों पहनने का, क्यों नहीं पहनने का, कितना लंबा रहने का, ये हमको सिखा रहे थे। फिर हमने उनके हर लेडीज को बताया कि सर जी ये देखो ऐसी ऐसी बात कर रहे, तो हम क्या करेंगे? तो उन्होंने चालू किया मास्क पहनना। अब मास्क पहनते हैं तो मास्क पहन के आते तो क्या होता है कि हमको पता नहीं चलता कि कौन से भाटिया के हमारे मेंबर है। तो हमने क्या बोला, आपके जो मेंबर है पहले आप आइडेंटिटी कार्ड पहन के गले से आइए, तो हमको पता चलेगा भाटिया का मेंबर है, तो हम उसका आइडेंटिटी कार्ड देके उनको ऊपर जाने देंगे। तो उन्होंने ऐसे बताया कि पहले हमारे यहाँ कोरोना पेशेंट नहीं था, आज कल के तारीख में कल कोरोना पेशेंट आ गया उधर, कोरोना पेशेंट। तो हमने और उसको रूल्स ज्यादा ये किया कि अभी आपके जो मेंबर्स हॉस्पिटल में है उनको आप वहीं स्टॉप करिए और बाकी जो है उनको आप घर के अंदर ही रखिए। तो वो नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। इसमें जो लिस्ट दिया था 22 नर्सेस का, उसमें से दो नर्सेस है उनका नाम ही नहीं है उस लिस्ट में, नाम ही नहीं है। एंड दिस इज ऑथराइज्ड लिस्ट फ्रॉम भाटिया हॉस्पिटल। वो लड़कियां न्यू है, न्यू जॉइनिंग है, तो उनका नाम नहीं है, दो दिन के बाद ऐड करके दूसरा लिस्ट आया है, लेकिन वो लिस्ट ये नहीं ले रहे, हमारे पास वो लिस्ट था। और ये बोल रहे हैं हमारे घर पे आए थे, बिल्डिंग के किसी पर्सन ने, किसने किया था मालूम नहीं, हमारे मेंटर नई लड़की आई हैं, उनका लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है। अभी ये बोल रहे हैं नया लिस्ट दे रहे हैं। आपसे कभी गलती नहीं होती है क्या? उन लोगों से मिस हो गया होगा, नई लड़कियां हैं तो, नई लड़कियां आई, उनका नाम फिर से भेज के फिर से लिस्ट दिया ना भाटिया के सैम के साथ लेने के लिए, उन लोग का लिस्ट चेंज करना है। अरे एक ही दिन में आज एक हैदराबाद से कोई लेडी आई है बैग विग लेके मेरे यहाँ, नहीं हमको डर नहीं लगेगा, हम उसको पूछेंगे नहीं। आपने दोनों ही पक्षों को सुना, यहाँ पर नर्सेज मौजूद हैं जो शिकायत करने के लिए आई हैं, और यहाँ पर उस इमारत में रहने वाले लोग मौजूद हैं, उस आविष्कार सोसाइटी के लोग भी मौजूद हैं, और दोनों ने अपना अपना पक्ष जो है कैमरे पर रखा है, और अब ये मामला पुलिस थाने में पहुंचा है। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।